सर्दी, मतलब हम लोग को पता है इट्स पिकनिक, फन, घूमना फिरना एंड बहुत सारे मजे। सो हे गाइस, इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई आई एम सुष्मिता रॉय एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग जाने वाले हैं घूमने टू अ वेरी वेरी ट्रेंडिंग प्लेस जो कि है मौसमी आइलैंड। जी हाँ, इस जगह पे बहुत दिनों से मेरा जाने का मन था एंड वी वर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि कब हम जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होते गया एंड हम लोगों का जो प्लान है वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, हम लोग नहीं जा पा रहे थे। एज यू नो कि हमेशा घूमने जाने का मन तो करता है लेकिन जा नहीं पाते। सो या फॉर्चुनेटली इतने दिनों के बाद हम लोग जा रहे हैं एंड अभी फिलहाल हम आ चुके हैं कोलाघाट पर। एंड कोलाघाट, अगर आप लोग पश्चिम मेदिनीपुर या मेदिनीपुर साइड से हो तो आपको पता है कि कोलाघाट एक हम लोगों का स्टॉपेज पॉइंट है जहाँ पे हम सभी लोग रुकते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं एंड वी आर एट दी दीपा होटल एंड अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट किए हुए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम लोग फिर से निकलेंगे। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन जाने वाला है। सो हियर इज माय मॉम, हाय मॉम, शी इज एंजॉयिंग डिलीशियस आलू का पराठे एंड हियर इज माय वेरी फेमस मामा जी, हेलो। आप लोगों ने उनको हर एक ब्लॉग में मेरे साथ देखा है एंड ही इज द वन जो सब कुछ जाने के लिए उन्होंने प्लान किया है, वो भी यहाँ पे आलू के पराठे खा रहे हैं। एंड हियर इज माय वेरी नोन फ्रेंड ऑफ माइंड जो भी मेरे साथ हर एक ब्लॉग में रहता है। एंड व्हाट आर यू हैविंग? ही इज हैविंग तंदूरी रोटी एंड हियर इज मिक्स्ड वेज, ये सब्जी रोटी खा रहे हैं एंड मेरे लिए भी यहाँ पे सर्व किया गया है आलू के पराठे जो कि मैं अभी खाने वाली हूँ। एंड दिस इज द स्पेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड रोड साइड में ही है एंड ये बहुत फेमस भी है यहाँ पे। आप ये आलू के पराठे सच में खाने में इतनी ज़्यादा डिलीशियस थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और फिर हमने मंगाया था स्प्राइट और मामा जी यहाँ पे पी रहे थे चाय। और लंबे सफ़र तय करते हुए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दक्षिणेश्वर तक एंड यहाँ पे दूर से हमें मंदिर के दर्शन मिल पा रहे हैं। एंड हम लोग अभी कोलकाता के अंदर से ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पिकअप करना था। मेरे मामा के फ्रेंड, मेरे और एक मामा हम लोगों के साथ ज्वाइन कर चुके हैं और हमने उनको पिकअप किया कोलकाता से। सो चलते हैं। इतना देर बैठ बैठ के हम लोग का हालत ख़राब हो चुका है गाइस, बहुत। सुबह 10 बजे से लेकर अभी शाम के 4 बज रहे हैं और इतने देर से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सिर्फ बीच में एक बार हम कोलाघाट में रुके थे एंड फिर हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं और अभी भी करीब 70-80 किलोमीटर बाकी है जाने के लिए। सो थोड़ा सा चाय ब्रेक तो बनता है। सो या वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड है। जाना है हम लोगों को एंड ऑलरेडी अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के। बहुत ही ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो चुके हैं, मतलब हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा हम लोगों का जर्नी हो जाएगा। एंड वैसे भी अच्छा ही हुआ कि हम लोग कार से आए हैं, वरना अगर हम लोग ट्रेन से आते तो शायद और हम लोगों का हालत ख़राब हो जाता कि बहुत ब्रेक जर्नी हम लोगों को करना होता, दो ट्रेन फिर बस टोटो ये वो बहुत कुछ जो जर्नी है और भी ज़्यादा हेक्टिक लगता। लेकिन अभी भी हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके हैं एंड फिर से हम लोगों ने इसलिए हॉल्ट किया यहाँ पे। सब लोग बहुत भूखे भी हैं। बस यही सोच रहे हैं कि कब हम पहुंचेंगे वहाँ पे एंड मिलते हैं पहुंचने के बाद। सो करीब करीब अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हुजूर ख्या घाट के पास एंड अभी भी फिलहाल 10 मिनट्स का रास्ता बाकी है एंड यहां तक जितना भी हम आए हैं पूरे ही गूगल मैप्स के हेल्प से आए हुए हैं। सो अगर आप भी रोडवेज से आना चाहते हो सो डेफिनेटली आप लोग आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
सो मेन रोड से हम लोगों ने एक राइट टर्न लिया और फिर हम लोगों को ये वाला रास्ता जो है वो मिला है। ये रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही मतलब उथल पुथल हो रहा है अभी गाड़ी के अंदर एंड बहुत अंधेरा भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं सो हम लोग यहाँ पे इजीली पूछ पूछ के जा पा रहे हैं। एंड यहाँ पे लोकल लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है, उन लोगों को पता है कि सारे लोग मौसिनी आइलैंड पे जाते हैं घूमने के लिए, सो वो लोग खुद से ही बहुत ही हेल्प कर देते हैं और आप लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी हुज्जू तीर्थयाघाट तक एंड यहाँ पे अभी कार पार्किंग चल रहा है एंड सब चीज़ें हम लेके फिर लॉन्च में उस साइड में जाएंगे। हमारा जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है मौसिनी आइलैंड, हम वहाँ तक पहुँचेंगे एंड अभी शाम के 7 बज रहे हैं एंड हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे। तो पार्किंग करने के बाद अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अभी डॉग फीडिंग चल रहा है एंड अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे और फिर लॉन्च से पार करेंगे एंड यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे छोड़ के जा रही है। रुक जाओ मम्मी। इस पॉइंट पे मुझे लॉन्च में बैठ के थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन कैमरा के सामने मैं खी-खी करके अपने दांत दिखा रही थी ताकि किसी को पता ना चले कि मुझे डर लग रहा है। और यहाँ पे मेरी मॉम सबसे ज़्यादा डरती हुई लेकिन सबसे बड़ा वाला स्माइल देते हुए। साइड पे पहुंच चुके हैं विच इज़ द मौसिनी आइलैंड। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे वीडियो नहीं करने दे रही थी क्योंकि उनको इतना डर लगता है, वो तो बैठी भी नहीं बोट पे, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ से आप लोगों को टोटो करके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते हैं वो बहुत ही पतले हैं। सो यहाँ पे जो अंकल लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे टोटो ही चलता है एंड यहाँ पे पर हेड 35 रुपीज़ लगेगा, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, करीब 45 मिनट्स तक आप लोगों को टोटो में जाना पड़ेगा। सो आप लोग डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो एंड जो टोटो है वो आपको स्ट्रेट आप जहाँ पे आप लोग रुकने वाले हो, आई मीन जहाँ पे आप लोगों ने बुकिंग करवाया है, एकदम स्ट्रेट आपको वहीं पे जाके जो टोटो वाले अंकल है वो ड्रॉप कर देंगे। सो इतने घंटे के जर्नी के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है मौसिनी आइलैंड स्पेशली फेमस है क्योंकि यहाँ पे टेंट में रहने का अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड यहाँ पे रहना और खाना सब कुछ पैकेज में आता है पर हेड, जिसके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बाद में बताती हूँ। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए हैं एंड सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रेश होंगे क्योंकि हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे। सो आते ही हम लोगों को हमारा टेंट जो है वो मिल चुका है एंड यहाँ पे हम हमारे टेंट में जाके अपने अपने सामान रखेंगे एंड फिर थोड़ा सा बैठ के अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी हम खाने वाले हैं सारा खाना पैकेज के अंदर ही इंक्लूडेड है। सो आते ही सबसे पहले हम लोग को चाय और बिस्किट सर्व किया गया, फिर चाय वाय पीने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे थे एंड यहाँ पे मैं और मेरे मामा डांस कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लाउड म्यूज़िक बज रहा था। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग जल्दी से डिनर करने के लिए चले गए थे क्योंकि हम सभी को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी एंड यहाँ पे नॉन वेज वेज सब कुछ आइटम्स अवेलेबल है, सो आपको जो भी चाहिए वो आप खा सकते हो। एंड यहाँ पे वेज थाली में हम लोगों को दिया गया था राइस, दाल, उसके साथ था एक बहुत ही टेस्टी सा सब्ज़ी, उसके साथ था आलू फ्राई एंड अगर आप लोग वेज थाली लेते हो तो आप लोगों को मिठाई और मीठा दही भी मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग नॉन वेज खाते हो तो सिर्फ आप लोगों को जो नॉन वेज का आइटम है वही मिलने वाला है। सो डिनर करने के बाद हम लोग आए बैठे और वी वर चिलिंग एंड वाइबिंग। सो साइड में हो सी बीच एंड उसके साथ गिटार में गाना, सो इट वॉज रियली अ वेरी ऑसम एक्सपीरियंस, व्हाट अ नाइट इट वॉज। सो बहुत ही मज़ा आया और आज की डेट में इतनी बिजी शेड्यूल में ऐसे टाइप का एक्सपीरियंस कहाँ ही मिलता होगा। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट नाइट ऑन मौसिनी आइलैंड एंड दिस इज हाउ इट वेंट। Yeah.
अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड अभी अभी हम लोग उठे हैं एंड मतलब यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। बस इसी व्यू के लिए इतनी दूर दूर से लोग आते हैं एंड ट्रस्ट मी, कल का जितना भी जर्नी हुआ हम लोगों का, जितना भी हम टायर्ड थे, आज सुबह इस व्यू को देखने के बाद इट्स वर्थ इट एंड बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट्स बिगिन द डे एंड बहुत मज़ा करना है आज, तो बाकी आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो ये मेरे और मम्मी का टेंट है, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो अभी हमने समेट के नहीं रखा है, और ये वाला टेंट मेरे फ्रेंड का है, वो उसका भी चीज़ें बहुत इधर उधर रखा है एंड यहाँ पे मेरे दोनों मामा हैं। लेट्स पीप इन टू देयर टेंट। हाय, एक मामा अभी सुबह सुबह उठ के प्रणाम कर रहे और दूसरे मामा अभी भी फ़ोन पे लगे हुए हैं। सो इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा लगा एंड सुबह सुबह जब पानी का आवाज़ आ रहा था उससे तो मन और भी अच्छा हो गया। सो एम्बियंस वाइज इट्स रियली रियली वेरी गुड। लेकिन ये जो टेंट्स है जो लंबे लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि जो मेरे मामा हैं उनका भी पैर लग जा रहा था एंड मेरे फ्रेंड का भी पैर लग जा रहा था। सो हमारे जैसे जो छोटे छोटे इंसान हैं उन लोगों के लिए टेंट्स बहुत अमेजिंग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो या आप लोगों को भी टेंट का एक्सपीरियंस चाहिए तो यू हैव टू कम हियर। फिर उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया जो कि अराउंड 9:30 बजे उन्होंने हमें दे दिया था खाने के लिए, और यहाँ पे है पूरी। जो पूरी था वो बहुत ही डिलीशियस था खाने के लिए एंड उसके साथ था आलू का एक कड़ी एंड उसके साथ उन्होंने हमें मिठाई दिया था। सो ब्रेकफास्ट भी बहुत यम्मी था। सो अभी टेंट के साथ साथ हम लोगों ने ये वाला रूम भी लिया है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं और मम्मी आए हुए हैं, सो हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करने में और जो एक कॉमन वॉशरूम उन्होंने दिया था सो वहाँ पे बार बार यूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। सो हम लोगों ने ये वाला रूम लिया है एंड यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी है जो कि उतना ख़राब नहीं है, इट्स ओके। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लीन है। सो यहाँ पे हम लोग रहेंगे आज रात के लिए। फिर हम लोग सब नहा धो के रेडी हो गए और फिर बाहर गए और फिर उन्होंने हमें दिया नारियल पानी। एक्चुअली ये जब आते हैं ना सब यहाँ पे गेस्ट तो वेलकम के लिए होता है, तो हम लोग रात को पहुंचे तो वेलकम नहीं हुआ था, तो अभी मॉर्निंग के टाइम हम लोग का वेलकम हो रहा है नारियल के पानी से। नेक्स्ट डे वेलकम, नेक्स्ट डे वेलकम हो रहा है। बहुत अच्छा। फिर हम लोग बीच पे चले गए एंड वहां पे हमने ढेर सारे फोटोज क्लिक किया, टाइम स्पेंड किया एंड अगर आपको सारे पिक्चर्स देखने हैं तो यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट इज एट द एस्थेटिक क्रॉनी, the idea is right there। and फिर हम वापस आए and फिर मैं यहाँ पे आइसक्रीम इन्जॉय कर रही थी और साथ में थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी and फिर लंच टाइम एंड लंच के बाद भी हम लोग निकलने वाले थे सो इसलिए हम लोग ने जल्दी से लंच कर लिया एंड लंच में था दाल राइस एंड वहाँ पे था आलू फ्राई, एक सब्जी था, सैलड था एंड हम लोग ने वेज खाया सो हम लोगों को दिया गया था पनीर एंड नॉन वेज में था प्रॉन करी एंड उसके साथ था और एक मछली का करी भी। सो बहुत ही अच्छा खाना था एंड लास्ट में उन्होंने मिठाई और चटनी और पापड़ भी सर्व किया था। सो ओवरऑल जो मील था बहुत ही फुलफिलिंग था एंड बहुत ही टेस्टी था। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनडेप्थ बता देती हूँ कि इन लोगों के यहाँ पे कैसे टाइप का पैकेजेस अवेलेबल रहता है। सो ये जो आप लोग रूम्स देख पा रहे हो ये है कॉटेज, यहाँ पे एक फैमिली रह सकता है, लाइक दो पेरेंट्स और उनके साथ दो बच्चे रह सकते हैं इजीली एंड इसके चार्जेस अराउंड 1100 से 1200 रुपये के अंदर है। एंड यहाँ पे जो आप रूम्स देख पा रहे हो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कॉटेज है, यहाँ पे करीब 5-6 जन एक साथ रह सकते हैं एंड साथ में यहाँ पे और भी बड़े बड़े टेंट्स है, अगर आप लोग ग्रुप में आते हो 8-10 जन भी ऐसे टाइप के टेंट्स में रह सकते हो। जो छोटे छोटे टेंट्स है उसमें 2 जन करके वो लोग अलाउ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहता है वो है जो सी फेसिंग टेंट्स है, वही सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि लोगों को वो टेंट से वो जो व्यू है उसके लिए सब लोग यहाँ पे स्पेशली आते हैं। लेकिन यहाँ पे हर तरह के टेंट्स और कॉटेजेस अवेलेबल रहते हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस भी है एंड इन लोगों के यहाँ पे जो रहने और खाने दोनों का चार्जेस मिला के ये लोग पर हेड एक
प्राइस फिक्स करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इस जो टेंट्स में रह रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को पर हेड 900 रुपीज़ पे करना होता है। सो अगर आप लोग मानो आज आ रहे हो तो आज आप लोगों के 10 बजे या 11 बजे अगर आप लोग इन कर रहे हो तो नेक्स्ट डे 10 बजे तक आप लोगों को रहने का अलाउंस है। और पूरे जो 24 आवर्स है उसके अंदर आप लोगों को जितना भी खाना है वो सब कुछ इस पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। बहुत ही अच्छा है क्योंकि कम बजट के अंदर ही आप लोगों को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट। और हम लोगों ने जो एक एक्स्ट्रा रूम लिया था उसके लिए हम लोगों को 1100 रुपये पर हेड करके पे करना हुआ। एंड उन लोगों का पैकेज कुछ इस प्रकार रहता है कि आप लोग सबसे पहले आते हो, फिर वो लोग आप लोगों को वेलकम ड्रिंक देते हैं जो कि हमने दूसरे दिन में लिया था, एंड फिर वो लोग लंच प्रोवाइड करते हैं, रात को डिनर, एंड शाम को वो लोग स्नैक्स भी प्रोवाइड करते हैं, एंड फिर नेक्स्ट डे आप लोग ब्रेकफास्ट करके फिर वहाँ से निकलते हो। लेकिन हम लोग रात को आए थे सो हम लोगों का थोड़ा सा हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था। हम लोगों को नेक्स्ट डे उन्होंने वेलकम ड्रिंक दिया था और बाकी लंच डिनर उन सभी का पैसा भी हम लोगों ने थोड़ा सा एडजस्ट करके उन लोगों को पे किया था। सो इट वुड बी वेरी नाइस कि अगर आप लोग एकदम प्रॉपरली सुबह सुबह आ जाते हो और नेक्स्ट दिन सुबह आप लोग निकल जाते हो, ही सबसे अच्छा रहेगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। शाम के 4 बजे एंड हम लोग थोड़ा सा गए थे फोटो खींचने के लिए बीच पे, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे। अच्छा, सो हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसको यहाँ पे मैंग्रोव एरिया बोलते हैं। सो वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। कम विथ मी। सो दोपहर में खाने के टाइम पे एक अंकल जी आए थे और उन्होंने खुद से कहा कि क्या आप लोग घूमने जाना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर जगह पे ले जा सकता हूँ एंड वहाँ पे आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग राज़ी हो गए और अंकल के साथ चल पड़े। वॉकिंग डिस्टेंस करीब 5 से 7 मिनट का था एंड पूरे रास्ते में हमने बहुत ही अच्छा विलेज का जो व्यूज़ है वो एंजॉय किया। एंड पर्सनली मैं कभी भी ज़्यादा विलेज में नहीं गई हूँ सो आई वॉज एंजॉइंग अ लॉट। मम्मी मुझे पूरे रास्ते बहुत कुछ ट्रीज़ ये वो दिखा रही थी एंड मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। यू विल फील सो कनेक्टेड टू नेचर। मुझे नहीं पता है कि अगर आप लोग भी मौसुनी पे जाते हो तो कोई भी आएगा या नहीं आप लोगों को पूछने के लिए कि आप लोग घूमने जाना चाहते हो या नहीं, बट आई मस्ट से कि आप लोगों को खुद से ही बताना चाहिए कि आप लोगों को घूमने जाना है, क्योंकि आप जहाँ पे भी ठहरोगे वहाँ पे मतलब वो लोग अरेंज करवा देते हैं कि ताकि आप जा पाओ और बोट का भी एक्सपीरियंस आप ले पाओ। एंड मैंने जितना भी देखा है कि वहाँ पे लोग आते हैं पूछने के लिए कि क्या आप लोगों को घूमने जाना है, क्या आप लोग बोटिंग करना चाहते हो, सो यू मस्ट डेफिनेटली गो एट दिस स्पॉट। मतलब ये जगह देख के हम लोग इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग जो सीनरीज देखते हैं ना म्यूज़िक वीडियोस में, लाइक ऐसा लग रहा था कि हम किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, वैसे टाइप की सीनरी मतलब वैसे टाइप का व्यू हम लोग को लग रहा था। एंड सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक किए एंड आई ऑल्सो मेड सो मैनी रील्स। सो अगर आपको देखना है सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम एज द एस्थेटिक क्रॉनी, एंड वहाँ पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि यहाँ पे ऐसे भी एक कोई जगह है जहाँ पे आप लोग जा सकते हो। सो आपको इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ज़रूर ही शेयर करना चाहिए ताकि उन लोगों को भी पता चले इस जगह के बारे में। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग जाते हो सो डू विजिट एट दिस प्लेस ऑल्सो। लिया है क्योंकि बोट जो है वो आने वाला है, सो अभी हम लोग जाएंगे पैदल पानी के पास ताकि हम बोट पे चढ़ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सच में ट्रू एडवेंचर का फीलिंग जरूर आएगा एंड बहुत मजा आने वाला है।
मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा डरपोक है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब उन्हें पानी से इतनी ज़्यादा डर लगता है एंड उनको हमने बहुत ही मुश्किलों से इस नाव पे चढ़ाया है। लाइक लिटरली अगर मेरे पास वो वाला क्लिप रहता तो अगर आप लोग देख पाते आप भी हंस हंस के पेट आपका फट जाता। मतलब लिटरली हमने उनको गोदी में उठा के इस नाव पे चढ़ाया है। जो भी हो बहुत मज़ा आया एंड जो भी हो चलते हैं और जो व्यूज़ है उसके मज़े लेते हैं। फिर हम घूम फिर के वापस आए और आते ही उन्होंने हमें सर्व किया चाय एंड उसके साथ उन्होंने हमें दिया था पफ्ड राइस जो कि बंगाली में मूढ़ी बोलते हैं एंड साथ में था पकोड़े। ये प्याज के पकोड़े थे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। इवनिंग स्नैक्स में वो यही सर्व करते हैं बेसिकली। और फिर यहाँ पे वो लोग अरेंजमेंट्स करते हैं जहाँ पे वो चिकन बारबेक्यू बनाते हैं एंड ये अलग से है, ये 900 रुपये के अंदर इंक्लूडेड नहीं रहता है। आप जितना भी चिकन लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है एंड वो लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसको बना के आप लोगों को सर्व करते हैं। एंड यहाँ पे मेरे लिए स्पेशली बन रहा है पनीर बारबेक्यू एंड अगर आप लोग पहले से ऑर्डर देके रखते हो तो वो आपके लिए भी बना देंगे। सो इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन आप लोगों के लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम वो लोग करके देंगे। सो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा बीच की तरफ गए वहाँ पे टहलने के लिए एंड ट्रस्ट मी ये जगह लाइटिंग में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी एंड यहाँ पे आस पड़ोस में जितने भी ऐसे रहने के जो जगह उन्होंने बनाया है हर एक में सेम टाइप की फैसिलिटीज़ मिलते हैं एंड हर एक जगह से बहुत ही लाउड म्यूज़िक आ रहा था। यहाँ का एम्बियंस 10/10। बीच से घूम के हम लोग आ चुके हैं एंड अभी डिनर कर रहे हैं। यहाँ पे है रोटी आलू फ्राई और एक सब्जी और साथ में उन्होंने दिया है मीठा दही। यहाँ का खाना अच्छा लग रहा है एकदम, पूरा घर का खाना। डिनर कंप्लीट हो चुका है एंड रूम में जाएंगे। आज का दिन यहीं पे ख़त्म हो रहा है और बहुत अच्छा गया आज का दिन, हमने बहुत इन्जॉय किया, हम बहुत घूमे फिरे एंड कल सुबह हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। तो सुबह की शुरुआत हो रही है विद दी फ्रेश खजूर के रस से जिसको हम बंगाली में खेजूर रोश बोलते हैं एंड विद द व्यू ऑफ दी सी। लाइक इससे अच्छा सुबह और क्या ही हो सकता है। एंड ये जो खजूर का रस है ये मैंने पहली बार पिया था क्योंकि ये स्पेशली विलेज साइड में ही मिलता है। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये पीकर एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कितने जन ने इसको ट्राई किया है। एंड उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि हम लोगों को चेकआउट करके निकलना था एंड ब्रेकफास्ट में उन्होंने सेम ही दिया था, पूरी था, आलू की सब्ज़ी थी और साथ में उन्होंने मिठाई दिया था। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई थी कि ब्रेकफास्ट में अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो मिठाई के साथ साथ आप लोगों को अंडा भी दिया जाएगा। एक्चुअली मैं ये बताना भूल गई थी सो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये ट्रिप शॉर्ट था लेकिन बहुत ही अच्छा था एंड अगर आप लोग बाइक लेके भी आना चाहते हो सो आप लोग आराम से यहाँ पे बाइक लेके भी आ सकते हो। देखिए कितने अच्छी तरह से वो लोग आपका बाइक जो है वो सेफली यहाँ पे पार करवा देते हैं एंड आप लोग बाइक लेके आके भी इस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हो। फिर हम लोग दोपहर को लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके थे। ये एक रोड साइड रेस्टोरेंट था लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि अंदर से इतना खूबसूरत होने वाला है। इस रेस्टोरेंट का वीडियो मैं इसीलिए ले रही थी क्योंकि इस रेस्टोरेंट का जो थीम है वो बहुत ही यूनिक था। उन लोगों ने सचमुच जो कोकोनट ट्रीज है उसको काट काट के यहाँ पे टेबल और चेयर्स बनाया था एंड उन्होंने रोप से भी यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा था। तो इस रेस्टोरेंट का थीम बहुत ही खूबसूरत था। वी आर बैक एट होम एंड अभी रात के करीब 9:30 बज रहे हैं एंड एक्चुअली आते वक्त मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम जो है फेस किया क्योंकि आज थोड़ा सा पॉलिटिक्स का कुछ मीटिंग्स चल रहे थे दो जगह पे, एक काथी साइड में और दूसरा डायमंड हार्बर के पास। सो इसलिए दोनों ओपोनेंट पार्टी का बड़ा बड़ा मीटिंग चल रहा था। सो रास्ते में क्या कर रहे थे ना, जो आम आदमी थे वो लोग सफर कर रहे थे, हम लोगों को बहुत दिक्कतें आई, हम लोग बहुत घूम घूम के आ रहे थे क्योंकि
रोड्स जो है वो बंद कर दिए गए थे, पुलिस आ गए थे। सो इतनी ज्यादा हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया कि मैं पूरे रास्ते में ब्लॉग नहीं कर पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम सच में बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए थे कि हम लोगों को नहीं पता कि हम कैसे घर पहुंच पाएंगे। बट फॉर्चुनेटली गॉड इज देयर एंड भगवान की कृपा से हम लोग सेफली पहुंच चुके। सो जो भी हो, इसी के साथ मैं यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। एंड आपको तो सारी डिटेल्स वीडियो में ऑलरेडी दिख चुका है। सो अगर आपको भी इस विंटर एक या दो दिन के लिए बहुत सारे मजे करने हैं, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। एंड आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगने वाला है, वहाँ का एम्बियंस ऑसम, यू विल रियली फील सो कनेक्टेड विथ नेचर। एंड मुझे भी इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा लगा। सो मैं तो जरूर दूसरी बार भी यहाँ पे विजिट करना चाहूंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।